दोस्तों, क्या आपने भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया था, लेकिन आप अपने अकाउंट को जब आप लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होता है और आपका अकाउंट रजिस्टर नहीं होता है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एरर आपको दिखाई देता है, टेक्निकल इशू विल फेसिंग योर डिटेल्स, प्लीज ट्राई अगेन, और आपके सामने आ जाता है ओके। अगर आप फिर से आप रजिस्टर करेंगे तो आपका यहाँ पर जो डिटेल्स है वो आपका फैच नहीं हो पा रहा है और आपका आईपीबी एप्लीकेशन आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा है और आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है। तो आखिरकार इस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व करेंगे, कैसे आपका आईपीबी एप्लीकेशन में आपका अकाउंट लॉगिन होगा और आपके सामने जो टेक्निकल एरर दिखाई दे रहा है, टेक्निकल इशू दिखाई दे रहा है, ये आपका कैसे सॉल्व होगा और कैसे आपका अकाउंट यहाँ पर लॉगिन होगा, तो इसके कुछ रीजन है वही हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि आखिरकार इसका क्या रीजन है और हमारा अकाउंट कैसे लॉगिन होगा। तो सबसे पहला इसका रीजन है, वो रीजन यह है कि आप जो डिटेल्स यहां पर डाल रहे हैं एक बार इसे जरूर आप ध्यान से चेक करिए। कभी कभी हो जाता है कि अपना यहां पर अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी और डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर आप गलत कर देते हैं, कुछ भी आप इसमें गलत कर देते हैं तो फिर आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होता है, क्योंकि हमारे सामने यहां पर रजिस्टर करते वक्त यहां पर यही एरर दिखाई देता है, टेक्निकल इशू विल फेचिंग योर डिटेल्स, यानी कि आपकी जो डिटेल्स है जो आपने यहां पर प्रोवाइड की है वो आपकी फेच नहीं हो पा रही है। तो यहां पर आपको अपने डिटेल्स को चेक करना है, हो सकता है कि आपने अपने डेट ऑफ बर्थ में यानी कि अपने आधार कार्ड में अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करा दिया होगा, तो अपने डेट ऑफ बर्थ को आप यहां पर देख लीजिए और जो आपने नया अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज कराया है वो आप यहां पर डाल दीजिए। तो पहला इसका रीजन ये हो जाता है कि यहां पर आपकी डिटेल्स जो है वो आपकी फेच नहीं हो रही, तो हो सकता है कि आपने गलत डाल दिया होगा। अब बात करेंगे दूसरा रीजन के बारे में। दूसरा रीजन के बात करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और अगर आपको कोई अदर प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि यार हम आपके लिए इतनी मेहनत करके एक नया वीडियो बनाते हैं और आपको पूरी जानकारी के साथ बताते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है। तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। उसके बाद यहां से बैक आएंगे, बैक आने के बाद बताते हैं आपको दूसरा रीजन। हमारा लाइट चला गया तो आपको अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। तो इसका जो दूसरा रीजन है वो आपका ये रीजन हो सकता है कि हो सकता है कि आपके इस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में सर्वर डाउन होगा, जिसकी वजह से आपका अकाउंट यहां पर लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो एक घंटे या दो घंटे या आपको 24 से 48 घंटे का इंतजार करना होगा और फिर आपका यहां पर आईपीबी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करना होगा। सारी सही जानकारी डालकर आप लॉगिन करेंगे और आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, आपका चालू हो जाएगा। अब यहां पर बात करेंगे तीसरा रीजन। तो तीसरा रीजन इसका यह हो सकता है कि अगर आपका यहां पर सर्वर डाउन नहीं है और आप सही डिटेल डाल रहे हैं तो हो सकता है कि आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो गया होगा, यानी कि आपने एक साल पहले कुछ महीना पहले आपने अकाउंट को ओपन किया और उसके अंदर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया, आपने पैसे नहीं जमा किए, ना आपने डाले ना निकाले, तो हो सकता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया होगा, जिसकी वजह से आपकी सारी डिटेल्स भी ब्लॉक हो गई होगी, तो इस वजह से आपका अकाउंट यहां पर लॉगिन नहीं हो रहा है। तो इस रीजन में आपको आईपीबी एप्लीकेशन के कस्टमर केयर से और इनसे आपको सपोर्ट लेना होगा। जैसे मैंने यहां पर इनके कस्टमर केयर से बात की हुई है तो हम यहां पर अपना जीमेल अकाउंट ओपन करेंगे और यहां पर देखेंगे मैंने इनको एक मैसेज सेंड किया हुआ है। अब यहां पर देखेंगे इनके यह वाली यहां पर ईमेल आईडी है कंज्यूमर का सर्विस की, जैसा कि आपको दिखाई दे रही होगी, contact@ipponline.in। आपको भी इस वेबसाइट पर अपनी प्रॉब्लम को मेंशन करना होगा। जैसे मैंने यहां पर इस प्रॉब्लम को मेंशन किया हुआ है, देख सकते हैं ये मैंने मेंशन किया था, यहां पर मैंने मेंशन किया है प्लीज हेल्प मी माय लॉगिन प्रॉब्लम टेक्निकल इशू प्लीज फिक्स नाउ, और मैंने ये अपना एक स्क्रीनशॉट भी इनके साथ शेयर कर दिया है। फिर इनकी टीम की तरफ से मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है थैंक्स यू फॉर कनेक्टिंग इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, और यहां पर हिंदी में लिखा हुआ है सारी जानकारी। तो इसमें बताया गया कि आपने जो मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश की है इसके लिए थैंक्स, और आपकी पूरी सहायता यहां पर की जाएगी। यहां पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी मिल जाएगी और कस्टमर केयर नंबर भी आपको यहां पर मिल जाएगा, तो उनसे आप डायरेक्ट बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। तो बस यही वो आसान तरीके हैं जिनका यूज करके अपने अकाउंट को आप चालू कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्निकल एरर आपको दिखाई दे रहा है तो इसे आप ऐसे फिक्स कर पाएंगे और कस्टमर केयर से अपनी इस प्रॉब्लम को फिक्स करा सकते हैं, लेकिन अगर आपका फिर भी
यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आप हमें कमेंट करके बताना, हम फिर से एक नया वीडियो बनाएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि मैंने अपने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कराया हुआ है। तो अब मैं आशा करूंगा कि यार अब आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे क्योंकि मैंने आपको पूरी जानकारी के साथ बता दिया है। तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ताकि हमारी वीडियो आपके पास सारी की सारी आना स्टार्ट हो जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।